नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर सरकार और राज्यों के दिग्गज नेताओं समेत विपक्षी दलों के नेता बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शुभकामनाएं दी हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि प्रधान नरेंद्र मोदी को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। सीएम शिंदे ने आगे कहा, मैं उनके 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की शक्ति की कामना करता हूँ। देश के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र भी हर संभव प्रयास कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी भारत की सदी है। देश के कप्तान प्रधानमंत्री मोदी हैं। मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 74वें जन्मदिन पर बधाई दी और कामना की कि उनके अभिनव प्रयास भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक शहर में हुआ था। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बल पर असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है, देश के समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। राष्ट्रपति ने कहा, मेरी कामना है कि आपके द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना से किए जा रहे अभिनव प्रयासों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी दीर्घायु हो और सदैव स्वस्थ एवं सानंद रहें। नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।